इमरान खान साढ़े तीन चार साल में इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब गरीब तंग हो गया है और बेरोजगारों की तादाद में बेपना इजाफा हो चुका है। महंगाई ने तारीख में इससे ज़्यादा आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरे नहीं किया जितना इस मुल्क किया है और करप्शन इनकॉम्पिटेंस इनकी बदतरीन इनकी डिलीवरी परफॉर्मेंस ये तमाम चीज़ें मुश्त में होकर ये 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है, उनका फैसला है कि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए। इसलिए अवाम की ख्वाहिशात के पेशा ऑपोजिशन ने दाखिल किया है। अब इमरान नियाजी जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ज़ुबान पर नहीं लाया जा सकता, गलाजत के ढेर जहाँ जा रहे हैं गलाजत के ढेर वहाँ पर जमा करके जा रहे हैं, इनको कौन साफ करेगा, सारा साल लग जाएंगे। माशरे को उसके अंदर इस तरह जहर घोला है और फिर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इतने गैर मोहताज और मैं समझता हूँ कि गैर संजीदगी से बयान दे रहे हैं जिससे कि हमारी जो रहती बस्ती साहब थी उसको भी बैरूनी ममालिक में तबाह कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का मामला देखें, अमेरिका का मामला देखें, यानी इस तरह के गैर मोहताज बयान सिर्फ ये एक सस्ती और चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के वसीतर मफाद को कुर्बान करके हम इसका हम ऐसा नहीं होने देंगे। शहबाज़ साहब ये बात मेरी बात सुन ले, यही हुई इमरान खान जब वो डोनाल्ड ट्रंप को एक वर्किंग विजिट वहाँ पर बुलवाया गया था, वर्किंग मेरे कोई प्रॉपर विजिट नहीं था। वापसी पर उन्होंने कहा कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आया, जो वही अमरीका था। ये अमरीका से वापस पे इमरान खान ने कहा कि एक और वर्ल्ड कप जीत के आया और इस तरह के मामला इस तरह के नाजुक मामला की वजह इस तरह के गैर मोहताज बयान हैं, कश्मीर कॉज को भी डैमेज कर रहे हैं और उम्मा के कॉज को भी डैमेज कर रहे हैं। इमरान खान आओ सामने आओ, फेस करो, होशियत कंडे मत इस्तेमाल करो और हम तुम्हारे तमाम फस्ताई हथकंडों को जानते हैं, मुकाबला करते रहे हैं, जेलों में गए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से हमारी हर कदम का मुकाबला करेंगे, तुम्हारे हर होशे झंडे को नाकाम करेंगे और मिलकर साहब आपको कल धमकियां दी गई हैं इमरान खान की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे कि इमरान खान का कहने का मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं यार क्या कर रहा हूँ भाई नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। चोर डाकू एक ऐसा शख्स बयान दे रहा है, मैं तो नहीं देगा की करी जा रहा हूं जाम लगा रहा है, तो इतना खौफ ज़्यादा हो चुका है कि उसको मास पाए तू अपना पीछे शख्स से बातें नहीं।